बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का मौजूद है। एलिमिनेट टी फ्रॉम द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला। हमें इक्वेशन को फॉर्मूले के तहत जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास पहला सवाल मौजूद है, एक्स अपॉन पी इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी। सेकेंड इक्वेशन, वाई अपॉन क्यू इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर वन को लेंगे, एक्स अपॉन पी इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू टी। हम इसके अंदर स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद करेंगे ये, अब वन अब एक्स अपॉन क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन प्लस टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी और इन सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर एक्स पर अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर पी पर अप्लाई होगा, पी स्क्वायर बराबर होगा। अब ये स्क्वायर इस वन वन प्लस टी स्क्वायर पर अप्लाई होगा और ये स्क्वायर टू टी स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है जी, तो अब जैसे कि वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। वन का स्क्वायर वन होता है, प्लस साइन टू टी प्लस टी की पावर फोर डिवाइडेड बाय, जब ये टी जब ये स्क्वायर टू पर अप्लाई होगा तो टू का स्क्वायर फोर, और ये स्क्वायर जब टी पर अप्लाई होगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन मौजूद है, क्यू वाई अपॉन क्यू बराबर है वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी। ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू बिकम्स वाई अपॉन क्यू इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू टी। इसमें भी स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, वाई अपॉन क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये अप्लाई कर देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बराबर है वन माइनस टी स्क्वायर, यानी वन को हम ए समझेंगे और टी स्क्वायर को हम बी समझेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी की पावर फोर डिवाइडेड बाई, मेरे पूरा फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है जी, अब ये स्क्वायर टू पर अप्लाई होगा, टू का स्क्वायर फोर और ये टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर फोर समझ लेते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि एक दूसरे से क्या एकदम ही डिफरेंट है। कोई भी एक साइड जो है इसमें इक्वल नहीं है, कोई भी एक साइड इक्वल नहीं है। इसमें साइन का भी डिफरेंस है और वेरिएबल्स का भी डिफरेंस है। ठीक, आप देख सकते हो कि एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन में वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ रहा है इक्वल्स टू वन प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन टी के पावर फोर डिवाइड बाई फोर टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी के पावर फोर डिवाइड बाई फोर टी स्क्वायर। अब इस सिचुएशन में होता यह है कि जब भी आप उसकी सिचुएशन आए वहाँ पर आप सब्ट्रैक्टिंग कर दें। ठीक है, वहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग कर दें, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर फोर को हम क्या करेंगे, दोनों में सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस साइन, सेंटर में माइनस साइन आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इस तरह आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की पी स्क्वायर की वैल्यू है क्या हमारे पास, वन प्लस टी टू टी स्क्वायर प्लस साइन फोर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टी स्क्वायर, माइनस साइन है। ठीक है, जिस हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करें इसी तरीके से हम यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास वाई वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, वो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर टी स्क्वायर। अब जैसे यहाँ माइनस साइन है तो उसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। ठीक है जी, इक्वल टू वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टू टी स्क्वायर प्लस साइन टू टी की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर टी स्क्वायर। अब ये माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस साइन वन से मल्टीप्लाई होगी, माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टी की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर टी स्क्वायर। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है तो दोनों वैल्यूज हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाती है, वन प्लस टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी की पावर फोर
माइनस वन प्लस टू टी स्क्वायर माइनस का टू टी टी की पावर फोर, ठीक है जी। माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल कर देंगे, माइनस टी की पावर फोर प्लस टी की पावर फोर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है जी। हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेंगी टू टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टी स्क्वायर। अब टू टी स्क्वायर प्लस का टू टी स्क्वायर और प्लस का टू टी स्क्वायर, उसको दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टी स्क्वायर। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस साइन वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू बनी है वो वन बनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सबट्रैक्टिंग के जरिए हमने टी को एलिमिनेट भी कर दिया है और हमारे इसका जो आंसर आया वो हमारे वन आंसर वन आया है, ठीक है जी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है कि एक्स बराबर है ए इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन वाई बराबर है बी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय टू टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर बुक के अंदर एक हिंट दी गई है, वो हिंट किस तरह दी गई है, वो हिंट इस तरह दी गई है कि ए अपॉन एक्स बराबर होगा वन माइनस टी स्क्वायर वन प्लस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर के, ठीक है जी। और वाई अपॉन बी बराबर होगा टू टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर के, यानी कि हमें इस सवाल को हमें इस कंडीशन में लेकर आना है, यानी इस हिंट के तहत हमें लेकर आना है। तो आप करेंगे किस तरह, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को रख लीजिए, ए एक्स बराबर है ए इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये ए जो है इससे मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए अपॉन एक्स अपॉन ए बराबर होगा वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हिंट हमें क्या दी गई है कि ए ऊपर है और एक्स नीचे, ठीक है जी, और प्लस के साइन ऊपर है माइनस नीचे आ रही है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को साइड में करके रेसिप्रोकेट कर दें, रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड। किस तरह करेंगे कि नीचे वाली वैल्यूज जो है वो ऊपर आ जाएगी, जैसे ए अपॉन एक्स हो जाएगा और ये वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी। इसको हम थर्ड इक्वेशन समझ लेते हैं। अब इसी तरीके से हमें सेकेंड इक्वेशन को लेना है, y बराबर है b इंटू वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी, ठीक है जी, टू टी स्क्वायर के बराबर है। तो आप करेंगे ये कि b को हम डिवाइड करा देंगे, y अपॉन b बराबर हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टी स्क्वायर। जिस तरह हमने ऊपर करा, जो हमें हिंट दी गई है, जो बताया गया है, इसके मुताबिक आपको सवाल सॉल्व करना है, तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर दें, रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो आप उसको करेंगे किस तरह, वाई अपॉन बी अपॉन वाई बराबर हो जाएगा टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फोर समझ लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर थ्री को और इक्वेशन नंबर फोर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। जैसे मैं पिछले सवाल में हमने करा कि जब भी हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम हो, यानी कि डिफरेंट है दो बोर्ड्स ऑन बोर्ड साइड, तो हम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस के तहत हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है जी। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर, ठीक है जी। तो सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई, ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, ए अपॉन एक्स की इक्वेशन हमारे पास क्या मौजूद है, वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन वन माइनस टी स्क्वायर, हम इसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है जी, यहाँ ले लेंगे वन प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस टी स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट की बात कही तो हम यहाँ पे इक्वेशन लगा साइन लगा देंगे, ठीक है जी। फिर बी अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, तो वैल्यूज को हम एज इट इज उतार लेंगे, वन माइनस टी स्क्वायर आ गया, वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर। अब टू टी स्क्वायर में से हम वन टी स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, यानी कि दो टी स्क्वायर हम एक टी स्क्वायर कैंसिल कर देते, तो हमारे पास वन बचेगा, वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर वन माइनस टी स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास बचेगी वन, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर है। अगर आपको इन सवालों में कोई भी परेशानी है या कोई फॉर्मूला स्टेप आपको समझ में नहीं आया,
तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो, इंस्टाग्राम और मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।